छोटे कैडर से बड़े कैडर तक की बात करते हैं नरसिंह जी, 7,150 से लेकर 22,500 रुपयों का नुकसान प्रति माह हमारे मूल वेतन में हमें कम मिल रहा है, नंबर वन। नंबर टू, अगर वेतन और भत्तों की बात करते हैं तो हमारे 15,000 से लेकर 35,000 रुपये हमें अन्य राज्यों से भत्ते और वेतन कम मिल रहा है, यानी कि हमें आर्थिक नुकसान भी है, प्रमोशंस में भी नुकसान है। राजस्थान सरकार ने 4.5 साल हो गया, हमने पूरा विश्वास किया। आप लोगों की इतनी जनसंख्या में सैलाब आया, इतने हजारों की संख्या में है, तो आपको क्या लग रहा है कि सरकार आपकी मांगे मांगी लेंगी? मांगे मानना सरकार का काम है, हमारा काम है कि हमारे राजस्थान की नर्सेज की ये गैदरिंग अपने आप में ये विश्वास व्यक्त कर रही है, ये आक्रोश व्यक्त कर रही है कि ये राजस्थान की सरकार की नीतियों से नाराज है। कर्मचारी हितों के लिए सरकार को अपनी नीतियां बदलनी होगी, क्योंकि अब मात्र इलेक्शन के 1-2 महीने बचे हैं, जो घोषणा पत्र में एक भी चारों मांगों में एक आज तक भी पूरी नहीं हुई, यानी कि 0% घोषणा पत्र कर्मचारियों पे हुआ है। रही बात हम माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने OPS की पहल की, लेकिन OPS में 10 साल बाद में कर्मचारी आएगा, तब कौन सी सरकार रहेगी? तब तक रिटायरमेंट हो जाएंगे लोग, तब इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आज भी कई रोड़े OPS में हैं। और हमारी बात करते हैं PFRDA बिल, आज भी केंद्र में जो पास हुआ है, संसद और राज्यसभा में पास हुआ, आज भी वो वैसा का वैसा है, उस बिल में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो OPS की भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन जिसका वर्तमान में 4.5 साल में जो हमें नुकसान हुआ है, जो देने का वादा सरकार ने किया था वो हमारे साथ नहीं दिया। OPS भी 2004 के बाद के लोगों के, बाकी जो पुराने कर्मचारी हैं उनको OPS से भी कोई वो लाभ नहीं है, और